हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड साइनाइट गेमिंग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर करा है और ये मेरा पहला T3 कस्टम्स का चिकन डिनर है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, इस गेम में हमने सोचा था कि हम थोड़ा सेफ गेमिंग करेंगे और एंड में चिकन डिनर निकालेंगे। वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार एक दिक्कत हो गई कि हमारे साथ लेफ्ट में ही आ चुका था एक स्क्वाड यासना में, और हमें वहाँ से शॉट्स भी बहुत गंदी तरह पड़ रहे थे। तो गाइस, ये जो स्क्वाड हमारे साथ यासना में आया था, उसमें एक बंदा वो पीछे ब्लू हाउस में वहाँ पर बैठा था, बाकी दो बंदे लेफ्ट से हम पे पुश कर रहे थे और एक बंदा राइट में आगे था जो आगे क्लोजिंग करने की कोशिश करता है और जिसको मैं मार देता और उसका डायरेक्ट मैं किल भी ले लेता था। तो उसको इतना अच्छा बैक कवर मिल रहा था कि मेरे को 1 HP कर दिया था पीछे के बंदे ने, बट मैं वहाँ सर्वाइव कर लिया। खत्म, डायरेक्ट किल लिया उसका। तो गाइस, यहाँ पे जैसे दो जन लेफ्ट में स्प्लिट होकर आ चुके थे हमारे को क्लोज इन करने, तो मैंने मेरे टीममेट को कॉल दे दिया था पहले कि तू मेरे पास पीछे आ जाए, यहाँ पे थोड़ा हम वैसे भी डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो थोड़ा सेफ खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और थोड़ा स्टिक करके खेलेंगे। उधर नहीं बैठ सकता, सामने से आ रही है, नहीं बैठ सकता। लेफ्ट वाले घर की छत पे भी आ गया सेंटर वाले। तो गाइस, मेरे टीममेट ने तो मुझे उनका लोकेशन दे ही दिया था कि वो लोग कहाँ पर है, बट फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए मैं वहाँ गया कि उनका परफेक्ट लोकेशन हमको मिल सके और अगर हो सके तो हम उन पर पुश कर दें। और यहाँ पे मुझे हल्का सा फुटस्टेप आता है लेफ्ट साइड से, एकदम माइनट पर, तो मैंने ट्राई करा कि उस छत पर मैं मॉल ट्राई करूँ कि वहाँ पर अगर कोई हो तो उसको फुटस्टेप्स मुझे कन्फर्म दे, और वो अच्छा भी होगा कि मैंने डाला और वहाँ से उसका फुटस्टेप्स मुझे। सो गाइस, मेरा मॉल ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि मुझे अब उस बंदे का हीलिंग करने का भी आवाज़ आ रहा था, जिससे मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि वहाँ कितने बंदे हैं और कैसे बैठे हैं। और वहाँ सामने जो छोटा रेड हाउस था उसके बाजू में ही लेफ्ट से एक बंदा DP लेकर मुझ पर TP भी ले रहा था कि वो मुझे, मैं बाहर जैसे निकलूँ मुझे मार सके। तो गाइस, काफ़ी देर में यहाँ पे TP भी ले रहा था, उसके बाद वो लोग थ्रोएबल्स फेंक रहे थे। अब उनके जो फुटस्टेप थे वो बहुत ज़्यादा क्लोजिंग के लग रहे थे, तो मुझे लगा कि वो लोग शायद हमारे छत पे जंप ले चुके हैं, बट मैं देख रहा था कि वो लोग जो बाहर सीलिंग छोटा सा होता है उसके थ्रू हमारे घर के अंदर घुस के मुझे ना मारे, तो मुझे पर आवाज़ आई गई थी कि ऊपर है, तो मैं जस्ट ऊपर घुस के उसको मार दिया। और दूसरा जो था वो नीचे गिर गया था, वो इसके साथ ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो नीचे वाला जैसे ही ऊपर आया वैसे मैंने और मेरे टीममेट ने उसको खेल दिया। और हमने जैसे ही इन दोनों को मारा तो हमें तीसरे का भी फुटस्टेप्स आ गए जो हमारे घर के अंदर ही घुस रहा था, बट शायद उसका नेट ग्लिच या कुछ हुआ तो वो हमारे फ्लोर पर आकर ही अटक गया और आगे हिलाएंगे पर मैंने और मेरे टीममेट ने लिया। तो वह यहाँ पे आसना हो चुका था ख़त्म, यहाँ से हम लूट फूट के गाड़ी लेकर निकले थे स्कूल अपार्टमेंट्स की, और यहाँ पर हमको एक गाड़ी दिख चुकी थी विच मीन्स यहाँ पर भी बंदे हैं और थोड़ा ही हम अंदर घर के घुसे तो ऊपर से फुटस्टेप्स भी आ गए। तो मैंने पहले सोचा कि मेरे पास एक नेड है, मैं वो ट्राई करता हूँ, और वो अच्छा भी हुआ। मैंने यहाँ पे नेड डाला, वहाँ पे ही बंदा था, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ जिसकी वजह से वो भागा और मैंने उसका साउंड लिया, वो हील कर रहा था, तो मैंने मेरे टीममेट को बोला फटाफट से पुश करते ऊपर, और हम दोनों ने वहाँ ऊपर पुश कर दिया। खत्म करने के बाद हमने उसको लूटा और यहाँ पर हमको मेरे टीममेट को यहाँ पर आगे रेड हाउस में भी बंदे दिख गए, तो उसने मुझे कॉल दे दिया कि वहाँ बंदे हैं देख ले। बट अभी आप यहाँ देखोगे कि जो रेड हाउस है उसके ऊपर वाला जो डोर है कितना ही गंदा ग्लिच है, मतलब उसमें हमने इतने शॉट्स लिए फिर भी वो डोर टूटा ही नहीं। मैंने और मेरे टीममेट ने दोनों ने ही उस पर शॉट्स लिए बट वो डोर ही नहीं टूटा। पबजी प्लीज फिक्स दिस ग्लिचेस यार।
तो गाइस पीछे के घर से हम यहाँ आगे वाले छत पर आ चुके थे और टीपी भी ले रहे थे उन बंदों का। वैसे ही उन बंदों ने समझा कि हम लोग यहाँ घर के अंदर है और उन्होंने हम पे पुश करने की कोशिश करी, बट हम लोग छत पर थे इसलिए हमारे पास एक एडवांटेज था। एकदम नीचे कूदा बहुत डैमेज हो यार। यहाँ पे एक गलती हो गई कि मैं यहाँ पे मेरे टीममेट को पहले रिवाइव देने चला गया पुश करने की जगह, और मैं उसको आते जो है मैं छोड़कर अंदर गया तो मुझे साउंड आ गया कि बंदा लैब से पूरा रॉकेट मार के आ चुका है। यहाँ मैं बचा था अकेला मेरे टीममेट से और सामने और 18 बंदे जिंदा थे और मुझे चाहिए था चिकन। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला गाड़ी लेकर तो राइट और लेफ्ट हर जगह से फाइट हो ही रहा था, और यहाँ पर मैं क्यों रुका क्योंकि सामने ही मुझे एक गाड़ी दिखी थी और वो लोग रुके नहीं, वो लोग चले ही गए। अभी भी बंदे गए थे जो गाड़ी मुझे दिखी थी, तो मैं वहाँ पर भी शॉट करने की कोशिश कर रहा था पर मुझे कोई दिखा नहीं आया। पीछे से भी शॉट खा रहे थे तो मैं वहाँ पर भी देखा। फिर मैंने सोचा कि जोन थोड़ा अंदर है तो मैं थोड़े सेंटर वाले घरों में चले जाता हूँ, बट वहाँ पर ही जाते हुए मुझे साउंड आ ही गया। तो यहाँ पर मैं हर जगह स्पॉट करने की ही कोशिश कर रहा था बंदों को, तो मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हो जाता है और मैं उस पर पुश करके उसको ख़त्म भी कर देता हूँ। देख लीजिए वहाँ से इनको शॉट आ रहे थे तो इनका ध्यान इतना था नहीं मेरे पे, तो मैंने उन पर क्लोज इन करके उनको मार दिया। ये जो बंदा था एक्चुअली इसको लेफ्ट साइड वाले जो फायर हाउस जो वहाँ से अच्छा खासा डैमेज खाकर बैठा था और मैंने उस वक्त पुश किया, वो मेरे को एडवांटेज मिल गया उस चीज़ का। यहाँ पे जो फायर हाउस पे बंदा था मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं उसे पीक लेता हूँ, बट मेरे घर के नीचे से भी मुझे फुटस्टेप्स आ ही रहे होते हैं कंटिन्यूस, तो मैं कुछ रिस्क लिए बिना अपने चारों ओर स्मोक वॉल बना देता हूँ जैसे कि मुझे कोई भी जगह से शॉट्स ना आए। और यहाँ पे जैसे ही मैंने गैस कैन ड्रॉप किया वहाँ पे सामने से 3 स्टोर में से मेरे को बहुत गंदे वाले शॉट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो गैस कैन ना फोड़ दे इसलिए मैं वहाँ से दूर चला गया और फिर गैस कैन ले लिया वापस आकर। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिल चुकी थी, अब वो थी ग्रोज़ा। अब यहाँ पर बच चुके थे सिर्फ 10 लोग और मेरे को सामने वाले घर से फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पीक करके देखा तो मुझे बंदा दिख गया, तो मैंने उनको नॉक भी कर दिया, बट अभी भी मुझे मेरे घर के नीचे से एक बंदे के फुटस्टेप्स आ। अब जैसा कि मुझे मेरे घर के नीचे से फुटस्टेप्स आ ही रहे थे इसलिए मैं जितने हो रहा था उतने मेरे घर के नीचे जो स्टेयर्स है वहाँ पर मैं हो सकता था उतने स्मोक कर रहा था, और मेरे को यहाँ पर सामने वो स्टॉर्म हर्षित करके बंदा दिख गया तो मैंने उसको वहीं पे लिया और वो सोलो का स्कॉर बचा था तो उसका डायरेक्ट किल भी आ गया। अब वो सामने घर में 3 बंदे थे, एक बंदा मेरे घर के नीचे था और मैं, यानी 5 लोग हम बचे थे। यहाँ पे अभी 1v1v3 सिचुएशन बच चुका था। अब वो बंदों को ही पता था कि इस घर में 2 बंदे, शायद उन ट्रायो को लग रहा था कि हम अलग अलग नहीं एक ही दुओ हैं, तो वो लोग नीचे और ऊपर दोनों साइड थ्रोएबल्स बहुत ट्राई कर रहे थे, बट मैं ये पीछे वाले रूम में आ चुका था क्योंकि मुझे पता था वहाँ से थ्रोएबल्स आ रहे हैं और मैं आके फुल रेडी हो चुका था क्योंकि मुझे अब हील बैटल ही करना है, बट यहाँ पे एक बंदा ऊपर से जाता है और मैं उसको पेल देता हूँ। अब फाइनल था वो 3 बंदे में अकेला बचा था, तो मैं अगर फाइट लेने जाता तो देयर वर चांसेस कि मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हील बैटल ही करूँगा और मैंने 9 फर्स्ट एड्स कैरी कर लिए। अब मैंने सोच ही लिया था कि मुझे हील बैटल ही करना है, तो मैंने इसलिए जैसे ही ब्लू जोन चालू हुआ फुल स्मोक कर दिया कि अगर वो लोग आ जाते हैं पुश करने तो वो लोग को मैं इंस्टेंट दिखूंगा नहीं, स्पॉट नहीं होऊंगा। तो एंड में जैसे ही मैंने हील बैटल शुरू किया तो उसके बंदे आई थिंक सो सब पुश ही कर रहे थे मुझ पर, जो एक बंदा था वो सामने चढ़ गया था, मुझे आवाज़ भी आई थी और चिकन डिन। सो गाइस अगर आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा आ चुका था 10 किल्स चिकन डिनर, ये मेरा पहला T3 चिकन डिनर है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू